बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी पर किया हमला। बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली की ओर गाड़ी दौड़ाकर अपनी बचाई जान। खबर बुलंदशहर से है। स्वीट शॉप बंद करके घर जा रहा था पीड़ित दुकानदार मालिक। सीसीटीवी में नजर आ रहे नकाबपोश लाठियों से लैस हमलावर। अज्ञात नकाबपोश के हमले से दहशत में व्यापारी का है पूरा परिवार। पीड़ित ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। अंबेडकर पार्क के पास जीटी रोड पर हुई ये वारदात हुई है। लखनऊ में सिखों के नववर्ष के रूप में मनाया गया बैसाखी पर्व। बैसाखी का पर्व हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। बैसाखी के कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। नाका हिंडोला के पास के गुरुद्वारे में मना बैसाखी का पर्व। सिखों के नववर्ष के रूप में मनाया गया बैसाखी पर्व। बैसाखी का पर्व हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। और 16 के पार्षद के घर पर खेला जा रहा है जुआ। खबर कानपुर से सामने आ रही है। जुआ खेलने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। खबर कानपुर से है जहां जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पार्षद के घर की छत पर सजी थी जुए की फड़। पार्षद का बेटा लगवा रहा जुए की फड़ पर पैसा। खबर कानपुर से है। जुआ की फड़ से क्षेत्रीय लोग हैं परेशान। जुई थाना क्षेत्र के परमपुरवा का ये पूरा मामला है। वार्ड 16 के पार्षद के घर पर खेला जा रहा है जुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। खबर कानपुर से है। जुआ खेलने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में बसपा एमएलसी भीमराव अंबेडकर का बयान। हम पूरे दम से निकाय चुनाव को लड़ेंगे, एमएलसी ने कहा है। आने वाले समय में मायावती बनेंगी पीएम, बड़ी खबर। एमएलसी ने बड़ा बयान दिया है। कल तक बसपा प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी। बसपा एमएलसी भीमराव अंबेडकर का बड़ा बयान सामने आया है। हम पूरे दम से चुनाव लड़ेंगे, निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आने वाले समय में मायावती बनेंगी पीएम। कल तक बसपा प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी, एमएलसी ने कहा है। लखनऊ में बीजेपी में प्रत्याशियों की सूची के लिए मंथन तेज हो चुकी है। बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली सूची। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। मंत्री सांसद और विधायकों के रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा टिकट। वर्तमान अध्यक्ष और पार्षद की पत्नी बहू बेटी को मिल सकता है टिकट। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। निकाय चुनाव में प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेता करेंगे प्रचार और प्रसार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे कई सभाएं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता प्रचार प्रसार करेंगे। मंत्रियों के साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारी भी मैदान में उतरेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, आज जो है बीजेपी अपने निकाय चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जी, निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को पूरा करके अब अंतिम प्रारूप यानी कि टिकट वितरण के कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी, चाहे बात करें कांग्रेस पार्टी, चाहे बात करें तो शुभासपा, इन तमाम दलों के द्वारा अपने प्रत्याशियों को नामों का ऐलान का सिलसिला शुरू हो गया है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश सत्ता से दिल्ली की सत्ता में काबिज है, वो अपने सूचियों का मंथन करते हुए अब तेजी लाई है। और माना जा रहा है कि आज देर शाम पहली सूची आ सकती है। अगर बात करें तो इस सूची में मंत्री, सांसद, विधायक और रिश्तेदार जो तमाम नेताओं के होंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ ही
जो वर्तमान अध्यक्ष है, पार्षद की पत्नी है, बहू बेटी है जो पार्षदों की तत्कालीन, अगर वहाँ पे महिला सीट आई है तो उनके परिवार को मौका दिया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि इसमें अगर बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर जहाँ सभी दल अपने स्टार प्रचारकों को जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग कोने में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो जब जाते हैं तो चुनाव में एक बेहतर रिजल्ट भाजपा की तरफ देखने को मिलता है। तो इस बार निकाय चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के अंदर में बड़े 17 नगर निगम हैं, वहां पर भी अपने कहीं ना कहीं सभा करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं से कितना प्रभावित होती है जनता। और साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता, चाहे वो संगठन के हो, चाहे वो कैबिनेट के हो, चाहे वो राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में हो, ये सभी नेता कहीं ना कहीं भाजपा के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो आज देर शाम माना जा रहा है कि सूची जारी होगी, तो देखने वाली बात ये होगी कि कहां कहां के पदों पर आज प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, किन निकाय के सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, किन विषयों को ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी पहले ही आश्वस्त कर चुकी है कि 30% महिलाओं को टिकट देंगे, साथ ही ओबीसी और एससी समाज को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विमांशु। शहर में फ्लाईओवर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर, खबर बुलंदशहर से जहां फ्लाईओवर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर, अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 की मौत और 1 हुआ घायल। खबर बुलंदशहर से है, घायल को राहगीरों ने इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल में। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर बुलंदशहर से है जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 1 की मौत 2 घायल, टक्कर मारकर आरोपी मौके से हुए फरार। कोतवाली देहात क्षेत्र के गेंगरुआ फ्लाईओवर का ये पूरा मामला है। लखनऊ में एलडीए की कार्यवाही लगातार जारी है। हुसैनगंज में अवैध निर्माण किया गया सील। एलडीए की बड़ी कार्रवाई, हुसैनगंज में अवैध निर्माण को सील किया गया। एलडीए उपाध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई की है। हुसैनगंज में हो रहे अवैध निर्माण को सील कर लिया गया है। चोरी छिपे कराया जा रहा था निर्माण कार्य, तो एलडीए ने फिर से बड़ी कार्रवाई की है। खबर प्रयागराज से है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस मुठभेड़ में अतीक के बेटे और शूटर गुलाम की हुई मौत। असद के शव को नाना और खालू झांसी ले जाएंगे प्रयागराज। झांसी से प्रयागराज ले जाएंगे असद के शव को। अतीक के पुश्तैनी कब्रिस्तान में अतीक के बेटे की खुद रही है कब्र। अतीक के पिता के बगल में खुद रही अतीक के बेटे असद की कब्र। प्रशासन की देखरेख में असद के शव को किया जाएगा सुपुर्दे खाक। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की है छापेमारी। चोला छाप डॉक्टरों में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने कन्नौज में छापेमारी की है, जहां पर चोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। एसीएमओ ने चोला छाप के यहां मारा है छापा। प्राइवेट क्लिनिकों में चेकिंग कर जारी किए गए नोटिस। खबर कन्नौज से है, कई क्षेत्रों में बिना मानक के चल रहे हैं क्लिनिक। लखनऊ में स्थानीय निकाय निर्वाचन 2022-23 की हुई घोषणा। आचार संहिता का कड़ाई से सुनिश्चित कराया जा रहा है अनुपालन। नगर आयुक्त ने दिए राजनीतिक प्रचार सामग्रियों को हटाने के निर्देश। प्रचार विभाग, जोनल अधिकारी और नगर अभियंता के स्तर पर टीमों का गठन। प्रचार सामग्री अभियान चलाकर राजनीतिक होर्डिंग बैनर आदि हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।